हम लोग ये सब नहीं बनाते हैं, अगर कुछ अगर फोल्ड अकाउंट में निकल गया तो आपको पैसे रिटर्न दे रहे हैं। कपड़ा जांच कीजिए, ठीक है, आप में इतनी पावर है, कैपेसिटी है। आप पावर की बात कर रहे हैं, आप ये रॉन्ग वर्ड आप यूज कर रहे हैं, रॉन्ग वर्ड यूज कर रहे हैं। आपने कहा कि आपका दुकान को बदनाम किया जा रहा है, लेकिन आप सामान क्यों खराब रखते हैं सो बोलिए। उसके अंदर में नहीं घुस लाते हैं, आप बोल रहे हैं सामान खराब है, और सामान खराब कुछ भी निकला हुआ है, तो आप ऐसा दीजिए, ग्राहक को ऐसा दीजिएगा आप। हम क्या बोले, जो ग्राहक अगर नहीं बोल पाएगा तो उसको आप जैसे तैसे सामान। मैं विवेक और मैं इस वक्त रामगढ़ थाना चौक के समीप साड़ी बाजार के पास हूं, जो कहते हैं सतकौड़ी कॉम्प्लेक्स के अंदर साड़ी बाजार, जो कि इस जगह पे कपड़े का कारोबार यहां पे किया जाता है, और कपड़ा ऐसा कि आप देखकर भी दंग रह जाएंगे। उसके साथ ही यहां के जो दुकानदार संचालक है वो जीएसटी बिल देने से भी साफ इनकार कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जीएसटी बिल हम वैसे लोगों को देते हैं जो दुकानदार हो। तो अब इसमें आप ही बताइए कि ये कहां तक सही है और क्या उचित है, क्या गलत है। तो आइए दुकान के अंदर चलते हैं, और कपड़े की क्वालिटी की अगर बात करें तो कपड़े की जो क्वालिटी है वो बिल्कुल ही थर्ड क्लास का कपड़ा है, जो कि अभी आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए आपको दिखलाते हैं, ये वही दुकान है जहाँ पे एक ग्राहक यहाँ पे कल सुबह कपड़ा लेके गया है, और उस कपड़े में शिकायत आया है कि जो कपड़ा है वो बिल्कुल ही थर्ड क्लास का कपड़ा है, जो बाजारों में मिलता है वैसा कपड़ा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जिसका आप इस कपड़े में आप देख पा रहे होंगे कि ये जो कपड़ा है, जिसका दुकानदार भी जो है वो भी कबूल किया है कि हाँ ये कपड़ा है खराब, लेकिन इनका कहना है कि हम एक दुकानदार हैं। बोलिए, हम लोग ये सब नहीं बनाते हैं, अगर कुछ अगर फोल्ड अकाउंट में निकल गया तो आपको पैसे रिटर्न दे रहे हैं। जितना भी कपड़ा लेकर गया है सभी में ऐसा नहीं होता भैया, पहली बार आपके ऐसा हुआ है, ठीक है। आप खाली उसको थोड़ा सा और बढ़ावा दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है ना, पर दुकान में आप जाइए, ठीक है, आप पूरा जांच कीजिए, अगर एक भी फॉल्स नहीं निकलेगा तब इस दुकान को बदनाम कीजिएगा। हम दुकान को बदनाम करने के नाम से नहीं, करने में लगे हुए भैया, ठीक है। अगर आपको लग रहा है, पर दुकान में आप घुसिए, आप कपड़ा जांच कीजिए, ठीक है, आप में इतनी पावर है, कैपेसिटी है। आप पावर की बात कर रहे हैं, आप ये रॉन्ग वर्ड आप यूज कर रहे हैं, रॉन्ग वर्ड यूज कर रहे हैं। आपने कहा कि आपका दुकान को बदनाम किया जा रहा है, लेकिन आप सामान क्यों खराब रखते हैं सो बोलिए। उसके अंदर में नहीं घुसे हुए भैया, हम लोग भी तो खरीद के लाते हैं। आप बोल रहे हैं सामान खराब है, और सामान खराब कुछ भी निकला हुआ है, तो आप ऐसा दीजिए, ग्राहक को ऐसा दीजिएगा आप। हम क्या बोले, जो ग्राहक अगर नहीं बोल पाएगा तो उसको आप जैसे तैसे सामान दे दीजिएगा। कल ये मैडम को लेके आए हुए थे, ठीक है, दो गो लेगीज लेने तैयार थे, ठीक है। मैंने बोला इनसे कि आप एक गो लेगीज लेके जाइए, ठीक है, अगर खराब रहेगा तो शिकायत कीजिएगा, ठीक है। तो एक मिनट आप एक मिनट, ठीक है, यहाँ तक आपकी बातों को हमने मान लिया कि चलिए जो है ये कंपनी की बात है, कंपनी कपड़ा इस तरह से बनाती है, ठीक है, आपने लाया बेचा सब चीज ठीक है, सही है। अब रही बात जीएसटी बिल की, तो उसमें आप क्यों पीछे हट गए, जीएसटी बिल ग्राहक को आप क्यों नहीं दिए, इसमें बताइए, इसमें बताइए। कपड़ा को लेकर हम मान लिए, चलिए कुछ पल के लिए हम मान लिए जीएसटी बिल के लिए, अब तो ये हमारे जो दर्शक है उसको आप जवाब दीजिए। हम लोग आधार कार्ड से मंगवाते हैं जी, आधार कार्ड के द्वारा थ्रू मंगवाते हैं, मतलब आधार कार्ड रहे ग्राहक के पास तभी आप दीजिएगा। अरे माल हम लोग आधार कार्ड के थ्रू मंगवाते हैं। तो जीएसटी बिल आपके पास जीएसटी नहीं है, दोस्त के थ्रू लेते हैं माल। जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ आपका दुकान का, उद्योग आधार है ना अपना। हाँ, उद्योग आधार है। अच्छा, उद्योग आधार है, उद्योग आधार के साथ ही मतलब अटैच है। तो जीएसटी बिल आपको नहीं देना? नहीं, जीएसटी बिल नहीं है हमारा। अच्छा, जीएसटी बिल नहीं है। तो आपने सुना कि इन्होंने कबूल किया कि इस दुकान का जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है, उद्यम के द्वारा रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो आप अब खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो दुकानदार है इन्होंने बतलाया। तो आपने हमारी इस खबर को पूरा देखा, तो आइए यहाँ भी जानते हैं एक और है। आप यहाँ पे क्या हैं? आप यहाँ पे क्या हैं? पिताजी हैं। इनके पिताजी? हाँ, पिताजी हैं। तो आप क्या कहिएगा इस संबंध में, क्या कहना चाहिए? दोस्त के है, दोस्त अपना बेचवाता है, अति कहता है वही जीएसटी बिल देता है, कहिए तो बात करा लीजिए। तो आपने सुना कि इनका दुकान है और दोस्त के थ्रू इस दुकान को चला रहे हैं, दूसरे के दोस्त का माल चला रहे हैं, और नाम इनका है, दुकान इनका है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इस दुकान में क्या हो रहा है।
कितनी क्या देख पा रहे हैं कि ये दुकान के जो मालिक है वो यहाँ पे हमें अपने दोस्त से बात करवाना चाहते हैं जो कि फोन पे अभी इधर कैमरा के माध्यम से इधर आप देखिए कि अपने दोस्त से हमें फोन पे बात करवाना चाह रहे हैं। क्या है क्या नहीं आप खुद देख पा रहे होंगे, तो ऐसे दुकानों में आने से जरूर बचे जहाँ पे आपको GST ना मिले, जहाँ पे आपको कपड़ा सही ना मिले, तो ऐसे दुकान पे बिल्कुल भी ना आए क्योंकि अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आप पूरी तरह से ठगे जाएंगे।